माँ शारदा के ऐसा मंदिर जहां आज भी पट खोलते ही पुजारी को जली मिलती है ज्योति। मंदिर से जुड़े कई अनसुलझे रहस्य, विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया ये रहस्य। वीर अल्हा उदल से जुड़ा है इस मंदिर का किस्सा, पूरी होती है मनोकामनाएं। विंध्य पर्वतमाला के त्रिकूट पहाड़ की चोटी पर विराजमान माँ शारदा का पावन धाम मैहर विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ हर वर्ष करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु माँ शारदा के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। भक्तों की मान्यता है कि शारदा करुणाशील है, जो उनकी झोली कभी खाली नहीं छोड़ती। माँ से जो मनोकामना मांगी जाती है वो पूर्ण होती है। पहाड़ की चोटी पर स्थित माँ शारदा का यह मंदिर रहस्यों से भरा है। आज भी माँ शारदा की प्रथम पूजा वीर अल्हा करते हैं, जिन्हें माँ शारदा ने अमृतत्व का वरदान दिया था। मान्यता यह भी है कि सुबह माँ शारदा के मंदिर के पट खोले जाते हैं, तब यहाँ अक्षत, पुष्प और ज्योति जलती मिलती है। इस वजह से माना जाता है कि वीर अल्हा अदृश्य रूप से अल सुबह आते हैं और माँ का पूजन करके चले जाते हैं। अगर आप भी शारदीय नवरात्रि में माँ शारदा के पावन धाम मैहर की यात्रा में आ रहे हैं, तो माँ शारदा के चढ़ावे के लिए पान, सुपारी, ध्वजा, नारियल का चढ़ावा लाना ना भूलें। माँ शारदा माता के प्रधान पुजारी बम महाराज ने बताया कि माँ करुणामयी है, माँ शारदा अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। माँ के चरणों में पान, सुपारी, ध्वजा, नारियल का चढ़ावा सबसे उत्तम है, जो माँ शारदा को प्रश्न करता है और माँ मनोकामनाएं पूर्ण करती है। मंदिर के पुजारी बम महाराज के अनुसार सुपारी को भगवान गणेश के प्रतीक स्वरूप के तौर पर माना जाता है, नारियल तो माता लक्ष्मी के प्रतीक स्वरूप में माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पूजा में नारियल और सुपारी रखने से सभी कार्य बिना किसी बाधा के संपन्न हो जाते हैं। पान का जिक्र स्कंद पुराण में किया गया है, जिसके अनुसार समुद्र मंथन के समय पान के पत्ते का प्रयोग किया था। इसके पत्ते में विभिन्न देवी देवताओं का वास माना जाता है, इसलिए पूजा में पान के पत्ते का विधि विधान से प्रयोग किया जाता है। किसी भी देवी देवता को ध्वज चढ़ाने का विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं कि ध्वज विजय का प्रतीक होता है, भगवान का ध्वज में अंश होता है, इसलिए नवरात्र में देवी को ध्वज अर्पित करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती और बिगड़े काम पूर्ण होते हैं।